हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोलिजन प्रोटेक्शन का जो सेकेंड मेथड है, जिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशंस, तो गैल्वेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो कुछ मेटल्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि आयरन से, स्टील्स हैं, ये जो मेटल्स हैं ये कोरोडेड हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये क्या हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं। क्यों कोरोडेड हो जाते हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिएक्शन करके और कोरोडेड हो जाते हैं। इन मेटलों को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेथड को अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और उन्हीं में से एक जो मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन भी एक मेथड है, जिस मेथड में हम जो मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, आयरन या स्टील्स हैं, इन मेटल्स को कोरोडेड होने से प्रिवेंट करने की प्रयास करते हैं, इसे प्रिवेंट किया जाता है। अब ग्लेनाइजेशन का डिफिनेशन जान लेते हैं स्ट्रेंथ की। ग्लेनाइजेशन का डिफिनेशन क्या है? तो ग्लेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट, जिसमें हम अप्लाई करते हैं किसको, तो एक प्रोटेक्टिव जिंक के लेयर को मेटल के ऊपर। मेटल मतलब वो मेटल आयरन भी हो सकता है, वो मेटल स्टील भी हो सकता है। तो ग्लेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक का लेयर बनाते हैं, चाहे वो आयरन का मेटल हो, चाहे वो टीन हो मतलब स्टील्स हो, इनके ऊपर एक लेयर बनाते हैं। और ये लेयर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये बहुत कॉमन मेथड है ये लेयर बनाना, जिससे हम आयरन की रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या आयरन रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये ग्लेनाइजेशन किया कैसे जाता है? तो ग्लेनाइजेशन की प्रोसेस में हम मेटल्स को डीप करते हैं, हम मेटल्स को क्या करते हैं, डीप करते हैं। किसमें? तो हॉट मोल्टन जिंक में हम डीप करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को ग्लेनाइजेशन कहते हैं। ये जो ग्लेनाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम कोटिंग कर देते हैं मतलब लेयरिंग कर देते हैं, जिंक का लेयरिंग कर देते हैं स्टील्स और आयरन के ऊपर, जिंक का हम क्या कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है, लगभग 100 to 50 ईयर्स ओल्ड ये मेथड है, 100 से 50 वर्ष ओल्ड मेथड है। बहुत पहले से इस मेथड का यूज करते हैं आ रहे हैं हम लोग, मतलब पीपल्स यूज करते हैं कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को और स्टील्स को। कोरोजन में, ग्लेनाइजेशन में हम जो जिंक की कोटिंग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर से, किसको, तो सरफेस को, आयरन और स्टील के सरफेस को, मतलब एटमॉस्फेयर से आयरन और स्टील का सरफेस का संपर्क ना हो, नहीं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नमी है, मॉइस्चर जो है, जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके ये कोरोजन, इनमें कोरोजन होने लगेगा तो, या इनका डैमेज होने लगेगा। तो इन डैमेज को और कोरोजन को रोकने के लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं स्टील्स और आयरन पे,
जिससे कि इनका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से टूट जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ग्लेवनाइजेशन वाकई में वर्क कैसे करता है या कैसे ये हेल्प करता है। तो जब हम ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस आयरन या स्टील पे कर देते हैं, मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, उस तब ये क्या होता है कि ये स्टील्स के उस पार्ट को जिसमें हमने ग्लेवनाइजेशन किया लाइफ को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि यह एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है एटमॉस्फेयर के एयर और मेटल के बीच। जिंक का जो लेयर है वो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है और इसके साथ ही साथ इस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन होने की वजह से आयरन के ऑक्साइड जो हैं वो इन पे एक्युमुलेट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और जब आयरन के ऑक्साइड नहीं एक्युमुलेट होंगे तो कोरोजन्स नहीं होगा। इसके साथ साथ ग्लेवनाइजेशन जो है कि ये एक कोरोजन रेजिस्टेंस लेयर का भी फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कि ये इन्वायरमेंट में एक्सपोज पार्ट जो मेटल के हैं उन पे कोरोजन को क्या करता है, रोकता है। अब आइए जानते हैं कि ग्लेवनाइजेशन प्रोसेस में हम कौन से स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस में हम पहले सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, फिर फ्यूजिंग करते हैं और उसके बाद ग्लेवनाइजिंग करते हैं। इन स्टेप को परफॉर्म करके हम ग्लेवनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस में हम पहले क्या करते हैं कि मोल्टेन जिंक में हम लोडेड करते हैं मेटल्स को लगभग 150 डिग्री यूनिट से। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो मोल्टेन जिंक है वो रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद स्टील के सरफेस पे एक लेयर या आयरन के सरफेस पे एक लेयर का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो हमने एडवांटेज ये जाना कि इससे कोरोजन प्रिवेंट होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। ग्लेवनाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो ग्लेवनाइजेशन से हम केवल प्रोटेक्शन करते हैं कोरोजन से, लेकिन यह भी प्रोटेक्शन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि उस लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद जिंक धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसकी लेयरिंग ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है जिससे हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हाईली कोरोजिव एरिया है जहाँ पर कोरोजन बहुत फास्ट होता है, जैसे कोस्टल एरिया वगैरह में जहाँ पर कोरोजन बहुत फास्ट होता है, वहाँ पर ग्लेवनाइजेशन में बहुत इफेक्टिव नहीं है, जिंक का कोटिंग करना बहुत इफेक्टिव नहीं है। फिर वहाँ पर कैडमियम जो एलिमेंट है इसको यूज किया जाता है ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस में। आइए स्टेप्स जानते हैं जिस स्टेप्स के थ्रू ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेप में जो ब्लैक स्टील्स है उसको हैंग कर दिया जाता है प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि स्टील्स को हैंग करके फिर उसको डीप भी तो करना है। और उस स्टील को हैंग करने के बाद क्लीन किया जाता है ऑयल से, उसको डिग्रीजिंग किया जाता है बाद में सॉल्यूशन में, उसको डिग्रीजिंग किया जाता है मतलब उस पर जो ग्रीस रूस लगा होता है स्टील पे उसको रिमूव किया जाता है। फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशंस में इंट्रोड्यूस करके उस पे जो लगे हुए जो कोरोजन रेजिड्यू हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। फिर उसको हॉट फ्लक्स बाट में रखा जाता है कि उसको ऑक्सीडाइजेशन होने से बचा लिया जाए। फिर अगले स्टेप्स में क्या होता है कि
इस हार्ड बाथ फ्लक्स से इसको रिमूव करके ड्राइड कर लिया जाता है, हीट करके उसको ड्राइड कर लिया जाता है। फिर उसको हम स्टील जो एलिमेंट है इसको हम जिंक बाथ में पूर्ण रूप से बहुत मतलब कुछ समय के लिए उसको डुबो देते हैं जिंक बाथ में, जो जिंक के मोल्टेन बाथ है उसमें डुबो दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। अब जब हम ग्लेवनाइजेशन कर लिए तो इसको हम रिमूव करके उस सॉल्यूशन से कुछ समय के लिए कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। अब होता क्या है कि स्टील जो है कि मैकेनिकली ट्रांसफ़र हो जाता है जो है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, स्टोरेज एरिया में ले जा कर के स्टोरेज कर लेते हैं। तो ग्लेवनाइजेशन की प्रोसेस है जो हम वन बाय वन करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू ग्लेवनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इतने स्टेप्स के बाद ग्लेवनाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट, और फिर इसका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, तो ग्लेवनाइजेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टोरेज एरिया में। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ग्लेवनाइजिंग एलिमेंट का। तो ये स्टील्स है या आयरन्स हैं जिनका ग्लेवनाइजेशन कर करके बनाया गया है, ये मेटल्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये एक एग्जांपल है, ये स्टील्स हैं और स्टील्स को ग्लेवनाइजेशन किया गया है। ये जो मेथड है हाईली इफेक्टिव है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।